सवाल नंबर 17 और 18। सवाल नंबर जो 17 और 18 है वो 15 और 16 की तरह ही है। अगर इन दोनों का योग और इन दोनों का योग अगर समान नहीं आ रहा है तो ठीक है, तो क्या करना है, ऊपर वाली संख्या में से क्या करना है, नीचे वाली संख्या घटा दो। ठीक है, तो देखो संख्या क्या है, 5x+7, उसमें से क्या घटाना है, ये घटाना है, तो 2x-1 घटाने पे क्या प्राप्त होगा, 5 में से 2 गया 3x और 7 में से 1 गया तो प्लस के 6, तो कितना बचा, 3 को मैं ले लिया तो क्या आया x+3 प्राप्त हो गया, 3 को मैं। अब देखो दूसरे में क्या करना है, इसमें से यह घटाना है, तो x+1-3x-5 ये घटाना है, तो देखो 3x में से माइनस के 3x में से प्लस का x गया, कितना बचा, माइनस का 2x, तो माइनस के 2x। अब माइनस 5 में से 1 गया तो कितना बचा, माइनस के 4, तो देखो क्या आया, 2 कॉमन लिया, सॉरी यहाँ पे आएगा कॉमन लिया तो 2 आएगा, माइनस के 2 कॉमन लिया तो कितना बचा, x+2। ये दोनों क्या आ रहे हैं, समान आ रहे हैं, दोनों समान आ रहे हैं, ये भी समान और ये भी समान आ रहा है, बराबर आ रहे हैं, तो इनमें से एक लिख लो, x+2 बराबर है 0, तो x=-2, ये हमारा उत्तर हो गया। इसी प्रकार यही सवाल करेंगे, तो इसमें क्या करेंगे, ऊपर वाले में से नीचे वाली संख्या का माइनस करेंगे, जिस प्रकार इसमें किया था ऊपर वाले से नीचे, यही देखो 3x+6-6x-3 बराबर क्या प्राप्त हुआ, -6 में से प्लस के 3 गए तो माइनस का 3x, और क्या हुआ, प्लस के 6 में से माइनस का 3 गया तो प्लस का 3, तो हमने क्या किया, माइनस का 3 कॉमन लिया तो क्या हो गया, x-1 प्राप्त हुआ। अब वही रकम 5x+4-2x-7, नीचे वाली संख्या को क्या करना है, माइनस करना है, तो माइनस किया, 5 में से क्या घटाया, 2 घटाया, कितना आया 3x, माइनस के 7 में से घटा दिया प्लस के 4, तो बचे माइनस का 3, 3 कॉमन लिया कितना आया x-1, ये दोनों क्या आ रहे हैं, सेम आ रहा है, दोनों में से सेम आ रहा है, तो एक को लिख लो, 1-1=0, तो x बराबर कितना प्राप्त हो गया, 1 मान प्राप्त हो गया। सवाल नंबर 19, देखो ऊपर क्या है, सभी का समान है, ये फॉर्मूला पहले करवाया था, सभी में समान है, तो क्या करेंगे, नीचे वालों का योग करके देखेंगे योग कितना है, तो योग देखो x+2+x+6 बराबर कितना आया, 2x+8, 2 को मैं ले लिया कितना आया x+4, ये उत्तर प्राप्त हुआ। इसी प्रकार इसका देखेंगे क्या होगा, x+1+x+7 बराबर कितना, 2x+8, 2 को मैं ले लिया तो x+4, अब चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, दोनों समान है, तो क्या लिया x+4 बराबर 0, तो x=-4, इसी प्रकार ये सवाल होगा, इसमें भी ऊपर वाले आंसर जो कि सभी में समान है, समान है तो क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे, x-4+x-6 इक्वल कितना हो जाएगा, 2x-10, 2 को मान लिया तो x-5 प्राप्त हुआ। अब इनको जोड़ेंगे, x-2+x-8 इक्वल 2x-10, 2 कॉमन लिया तो x-5 प्राप्त हुआ। अब दोनों में समान है, कौन सी नो, x-5=0, तो x=5, ये मान प्राप्त हो गया।